सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना संजू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल संजू क्रिएशन। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जहाँ बेल आइकन की घंटी जो है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा फ्रेंड्स। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संजू क्रिएशन गाइस। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कुछ इस तरह का मल्टीपल कलरफुल फॉन्ट्स। जैसे कि इंटरफेस में देख ही रहे होंगे, इस तरह का आपको आज मल्टीपल कलरफुल फॉन्ट्स एडिट करना सिखाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो पर जो है एंड तक बने रहेगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल में जो है बेल आइकन घंटी जो है उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमारी अगली आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमको चले जाना अपनी पिक्सल ऐप की ओर। पिक्सल में आ जाने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हो न्यू टेस्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली हमको यहाँ पर रिमूव कर लेना है पहले। उसके बाद हमको यहाँ से रूबी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद हमको नीचे में देख सकते हो हमको ये वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको आगे इंस्टॉल कर लेना है। आगे इंस्टॉल करने के बाद हमको यहाँ पर फ्रंट वाला जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस। और प्रेस करते हैं, रिसेंट में मैंने यूज़ किया था, इस फ्रंट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हमको अपने आ जाना है बैक अपना जो है साइज़ वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और साइज़ वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको इसको पूरा इंक्रीज कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और पूरा इंक्रीज करने के बाद हमको यहाँ से जो है इसको सेटअप कर लेना है कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लॉक कर लेंगे अब, ठीक है। लॉक करने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर कैपिटल लेटर में चार बार हमको पी लिख लेना है, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद हमको यहाँ पर ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद हमको यहाँ से आगे इंस्टॉल कर लेना है। आगे इंस्टॉल करने में हमको जो है फ्रंट वाला ऑप्शन फिर से मिलेगा, तो सिंपली हमको सेकंड वाला फ्रंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फ्रंट का भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमको अपना साइज़ वाले ऑप्शन पर आ जाना है और साइज़ हमको इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। अपने हिसाब से जितना भी रख सकते हैं उतना आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रखूँगा 191 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको 191 के अराउंड रख लेता हूँ। उसके बाद जो हमको यहाँ से थोड़ा स्पेस दे देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको स्पेस दे चुका हूँ, तो सिंपली हम इसको लॉक कर लेंगे। और लॉक करने के बाद हमको यहाँ पर देख सकते हो नीचे में हमको फोर्थ नंबर पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस। और यहाँ से प्रेस करने के बाद हमको ट्रांसपेरेंट वाले में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से गैलरी में सेव कर लेना है, तो सिंपली हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद हमको सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो यहाँ से हमको डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा नीचे में, तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस। उसके बाद जो है हमारा ये अल्ट्रा वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेव टू गैलरी कर लेना है, तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि देख ही सकते हो ये हमारा ऑलमोस्ट गैलरी में सेव हो चुका है, तो सिंपली हमको यहाँ से इसको रिमूव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमको यहाँ से अपने जो है फोटोशॉप ओपन कर लेना है, ठीक है। और फोटोशॉप ओपन कर लेने के बाद हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा फ्रेंड्स, तो जैसे कि देख ही सकते हो। तो यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिलेगा नीचे में, तो सिंपली हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर कर लेंगे प्रेस, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा फोटो लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ से हम ले लेते हैं कुछ बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से हम चलो ले लेते हैं कोई एक बैकग्राउंड, तो हमको ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से पिक में भी कर सकते हो, बैकग्राउंड भी ले सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा कि बैकग्राउंड ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा राइट साइड कॉर्नर प्लस वाला आइकन पे कर लेना है प्रेस, ठीक है। उसके बाद जो हमको प्रेस करने के बाद हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, तो यहाँ से फोटो लेयर वाले ऑप्शन पर हमको दो बार कर लेना है प्रेस, ठीक है। उसके बाद जो हम ट्रांसपेरेंट किए थे जहाँ वहाँ वाले ऑप्शन पर चले जाना है, तो हम जो पिक्सल लेयर वाले ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से हमको जो रूबी लिखे थे उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमको राइट पे क्लिक कर लेना है। राइट पे क्लिक करने के बाद फिर से हमको जो है प्लस वाले मोड पर कर लेना है प्रेस, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रेस कर लेंगे और जो है इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, ठीक है। तो हमको दो बार प्रेस करना है, ये हमारा दो लेयर बन जाएगा, ठीक है, वन और ये टू, हमारा दो लेयर बन चुका है। उसके बाद जो हमको डन कर लेना है, ठीक है। डन कर लेने के बाद हमको फर्स्ट लेयर पर रहकर हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से देख सकते हैं इन्वर्ट का जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस, ठीक है। और प्रेस करने के बाद हम इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है, तो सिंपली हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से देख सकते हैं नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस। और प्रेस करने के बाद जो हमको यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमको सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, तो सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको चले जाना है एफएक्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। एफएक्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से जो है ड्रॉप शैडो ले लेना है, ठीक है, जो फोर्थ नंबर पर मिलेगा, तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको एंगल मिलेगा, ठीक है। तो एंगल को हमको कर लेना है 90 जो है उसको हमको 135 के राउंड, ठीक है। इसके बाद कलर वाला ऑप्शन है, तो कलर को हमको ब्लैक ही रहने देना है। और यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, तो ब्लर को हमको 8:6 के राउंड कर लेना है। राइट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो हमको यहाँ से डिस्टेंस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस को हमको 4:5 के राउंड कर लेना है, ठीक है। राइट पर क्लिक कर लेना है और इधर भी राइट पर क्लिक, ठीक है। इसके बाद जो हमको अब इसका जो है ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेना है, तो सिंपली हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है।
और यहाँ से नॉर्मल का ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली इसमें कर लेंगे हम प्रेस, ठीक है। उसके बाद जो हमको थर्ड वाला मल्टीप्लाई जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाना है थर्ड लेयर पर, ठीक है। थर्ड लेयर पर आ जाने के बाद हम फिर से चले जाना एफएक्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। एफएक्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से सिक्स नंबर वाला बेवल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद जो हम कुछ प्रेस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमको ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ब्लर हमको 21 के राउंड करेंगे, राइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो हमको एंगल, तो एंगल हमको 145 के राउंड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 145 के राउंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमको कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो कलर वाइट है उसको हमको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस वाला ऑप्शन आएगा, तो डिस्टेंस को हमको प्रेस कर लेना है और यहाँ से इसको आपको 15 के राउंड, 16 के राउंड, जितना आपको ठीक लगे उतना आप कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ से 16 के राउंड करूँगा, ठीक है। राइट पर क्लिक कर लेना है और इधर भी राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर लेयर पर ही रहकर हमको इफेक्ट से फिर जाना है और यहाँ से फिर से हमको बेवल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम दो बेवल ले लेंगे, ठीक है। तो टोटल हमको तीन लेयर जो है, तीन बेवल ले लेना है, ठीक है। इसके बाद जो हमको सेकेंड लेयर आ जाना है, ठीक है, और सेकेंड लेयर आ जाने के बाद हमको पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो हमको यहाँ से प्लस मोड लगा लेना है, ठीक है। प्लस मोड लगा लेंगे और यहाँ से हमको इसको सिलेक्ट कर लेंगे पिक्सल, ठीक है। जितना हमारा बीच वाला जो हिस्सा वाला पिक्सल है उसको हमको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। आप भी जो है मेरे साथ स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा फ्रेंड्स, तभी जो है इस तरह का आपको जो है मल्टीपल कलरफुल एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। कोई भी स्टेप आप मिस करते तो फिर आप ही लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है, तभी जो है इस तरह का एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। तो इस वाले आइकन पर आ जाना है एंड वाले पर। उसके बाद जो हमारा ये यहाँ फिल स्टॉक वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसमें करेंगे प्रेस, ठीक है। और प्रेस करने के बाद जो है हमारा यहाँ पर देख सकते हो कलर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो कलर हमको रेड कर लेना है, ठीक है। हमको दो से तीन बार इसको जो है कलर जो है ले लेना है रेड कलर, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड लेयर आ जाएंगे और थर्ड लेयर आ जाने के बाद हमको आ जाना है एफएक्स वाले ऑप्शन पर, ठीक है। एफएक्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको फोटो वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमको जो है ये ग्रेनी नाइट वाला जो ऑप्शन है इस पर हम जो है कर लेंगे प्रेस, ठीक है। और प्रेस करने के बाद हमको इसको जो है इंटेंसिटी है उसको जो हमको पूरा 100 के राउंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ब्राइटनेस वाला ऑप्शन है नीचे वाला, तो इसको हमको पूरा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ठीक है। राइट पर क्लिक कर लेंगे, राइट पर क्लिक करने के बाद जो हमको फिर से चले जाना है इफेक्ट्स पर और फिर से हमको ग्रेनी नाइट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है तीन बार ग्रेनी नाइट जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तीन बार हमारा हो चुका है ग्रेनी नाइट। उसके बाद जो हमको प्लस मोड हटा लेना है, ठीक है। और प्लस मोड हटा लेने के बाद हमको जो है ये वाला जो है पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बाकी जो हमारा हिस्सा है उसको हमको सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड लेयर आ जाना है, थर्ड लेयर आ जाने के बाद हमको चले जाना है एंड वाला ऑप्शन, ठीक है। एंड वाला ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से देख सकते हो ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस, ठीक है। और ग्रेडियंट कलर हमको किस तरह से बनाते हैं ये आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक जो है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड लेयर आ जाना है, पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एंड वाला ऑप्शन है और यहाँ से ग्रेडियंट कलर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप जो है सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है, ये वाला पिक्सल ले लेना है आप और चले जाना है एंड वाला ऑप्शन और यहाँ से ग्रेडियंट कलर, ठीक है। और यहाँ से कुछ इस तरह से आप जो है सिलेक्ट करते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिर से आ जाना है बी वाले पर, ठीक है। उसके बाद एंड और यहाँ से ग्रेडियंट कलर, ठीक है। तो ग्रेडियंट कलर किस तरह से बनाते हैं ये मैंने इसका वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, उस वीडियो का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जो है वॉच कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से एडिटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आ जाना है बी ए वाले पर, ठीक है। इस पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से प्लस मोड लगा लेंगे, ठीक है। और प्लस मोड लगाने के बाद हमको कुछ इस तरह से इसको पिक्सल जो है सिलेक्ट करते जाना है, ठीक है। पिक्सल सेलेक्ट करते जाना है और यहाँ से हमको एंड वाला ऑप्शन और यहाँ से फिल स्टॉक, ठीक है। फिल स्टॉक आ जाने के बाद हमको इसको कलर कर लेना है रेड, ठीक है। उसके बाद प्लस मोड हटा लेना है और यहाँ से हमको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक कर लेंगे और कुछ इस तरह से हमको करते जाना है, ठीक है। वीडियो पर जो है एंड तक बने रहेगा, स्टेप स्टेप फॉलो करिएगा फ्रेंड्स, तभी जो आप इस तरह का एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। एंड वाला ऑप्शन यहाँ से हमको ले लेना है फिल स्टॉक, ठीक है। फिल स्टॉक ले लेने के बाद हमको कलर पर आ जाना है और यहाँ से हमको ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। प्लस मोड हटा लेना है और यहाँ से हमको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है प्लस मोड और यहाँ से हमको पिक्सल सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। ये हमारा पिक्सल हो चुका है, सेकंड लेयर से ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। जितना भी कलरफुल करेंगे वो जो है हमको एंड वाला ऑप्शन पर आ जाना है। एंड वाला ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको फिर से फिल स्टॉक, ठीक है। तो फिल स्टॉक ले लेते हैं कलर और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। प्लस मोड हटा लेना है और यहाँ से हमको फिर से पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है, प्लस मोड लगा लेना है और यहाँ से हमको पिक्सल सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। एंड वाला ऑप्शन फिल स्टॉक और यहाँ से कलर, तो कलर को हमको इस बार पिंक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मोड हटा लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमको
मोड लगा लेंगे फिर से, और यहाँ से फिर से हमको बीच वाला जो हिस्सा है उस पोर्शन को हमको सिलेक्ट कर लेना है पिक्सल में, ठीक है। उसके बाद एंड वाला ऑप्शन यहाँ से फिल स्टॉक, और यहाँ से हम इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ब्लू कर लेने के बाद हमको यहाँ से प्लस मोड हटा लेंगे, ठीक है। प्लस मोड हटा लेने के बाद हमको जो है अब आ जाना है अपना फर्स्ट लेयर पर, ठीक है। फर्स्ट लेयर पर आ जाने के बाद हमको चले जाना है एफएक्स वाले ऑप्शन पर। एफएक्स वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद अपना बेसिक वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से हमको जो ग्लो वाला ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली हमको ग्लो वाले ऑप्शन पर कर लेंगे प्रेस, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ब्लर का ऑप्शन मिलेगा सिंपली हमको इसको 0.9 के राउंड कर लेंगे, ठीक है। राइट पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कलर वाला ऑप्शन मिलेगा तो कलर हमारा जो है रेड है इसको हमको वाइट कर लेना है, ठीक है। राइट पर क्लिक कर लेंगे, और राइट पर क्लिक करने के बाद जो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं प्लस वाला मोड का ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस, और यहाँ से हमारा फर्स्ट लेयर वाला को जो है डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना है, और लास्ट लेयर का भी एक जो है डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ से डन कर लेना है, और डन कर लेने के बाद ये हमारा पिक जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जैसा कि देख ही सकते हो। बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। तो हमको यहाँ से गैलरी में सेव कर लेने के लिए हमको डन वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक, ठीक है। डन वाले ऑप्शन पर कर लेना है प्रेस, उसके बाद जो हमको यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमको अगला प्रोसेस आपको बता रहे फ्रेंड्स वीडियो पर थोड़ा इन तक बने रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको देख सकते दो ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हमको इस बार जो है सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमको यहाँ से सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस, ठीक है। प्रेस करने के बाद पिक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जीपीजी वाला ऑप्शन मिल रहा है सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस। उसके बाद जो हमारे यहाँ पीएनजी का ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली इसमें कर लेंगे प्रेस, और यहाँ से हमको ओके कर लेना है। तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा फ्रेंड्स, देख सकते ही हमारा गैलरी में सेव हो चुका है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।